हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको 9th क्लास का एक चैप्टर है ट्राइंगल्स, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया हैं उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्राइटेरिया जो है साइड एंगल साइड, जिसके बारे में मैं पहले ही अपनी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको और दो क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिनके नाम है एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ये आज हम लोग इन दो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्राइटेरिया है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी, और एक है डी एफ। मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड डी एफ, तो पहले एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या कहता है। एंगल साइड एंगल का ये मतलब है कि दो ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल और उनके बीच में आने वाली, यानी कि इंक्लूडेड साइड, अगर दूसरे ट्राइंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के और करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी तो, ठीक है, फिर से सुनिए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो एंगल्स और इनके बीच में आने वाली साइड, यानी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके बीच में आने वाली साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कैसे हैं, जो है कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। देखिए, कंटिन्यूटी में देखते हैं हमेशा, आप देख पा रहे हैं, एंगल फिर साइड फिर एंगल, बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा फिगर, कहने का मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फिगर बना के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ पी क्यू आर एंड एस टी यू। ठीक है, अब आपको इन्हें एंगल साइड एंगल से दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे ये लीजिए। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, अभी भी ये कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू एंगल टी के इक्वल है, साइड पी क्यू एस टी के इक्वल है, और एंगल क्यू सॉरी एंगल पी एंगल एस के इक्वल है, यानी कि एंगल साइड एंगल, कंटिन्यूटी आ रही है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स फिर से कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस टी यू। क्लियर, पी क्यू आर एस टी यू, सही लिखा है। तो ऐसे हम लोग एंगल साइड एंगल को, जो है क्राइटेरिया को, देखते हैं कि इसमें लग रहा है या नहीं। ठीक, अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। एंगल साइड एंगल आपको समझ में आ गया क्या होता है? कंटिन्यूटी में देखते हैं, दो एंगल और लेकिन साइड हमेशा बीच में आनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड, एंगल साइड एंगल, तभी ये एंगल साइड एंगल से जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लीजिए मैंने साइड्स को चेंज कर दिया, एंगल ये वाला लिया एंगल और एक साइड, मैंने इस साइड की जगह इंक्लूडेड साइड जो बीच में आ रही थी उसकी जगह मैंने कोई दूसरी साइड ले ली, इसमें भी एक इक्वल है। ठीक है, यानी कि एसी को इस बार हमने डीएफ के इक्वल कर दिया, तो क्या ये फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं है? है, अभी भी ये फिगर्स कॉन्ग्रेंट है, बस प्रॉपर्टी का नेम चेंज हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल एंगल साइड। ठीक है, जिसके बारे में ऊपर मैंने बताया, एंगल एंगल साइड में क्या होता है, कंटिन्यूटी में पहले दो एंगल आते हैं और फिर एक साइड आती है,
कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स आएंगे तो एंगल एंगल साइड, क्लियर। यानी कि अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाती है साइड, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन बस उसका प्रॉपर्टी का नाम बदल जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, एंगल एंगल साइड हो जाएगा इस पर। देख पा रहे हैं आप? चलिए अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें और बताता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और अलग से बताता हूँ। देखिए इसी में आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए अभी मैंने ये वाले एंगल्स को इस वाले एंगल्स के इक्वल लिया है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मान लीजिए ये मेरे पास 40 डिग्री है और ये मेरे पास 70 डिग्री है, मान लेते हैं। तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, और ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्लियर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी से जरा इस तीसरे थर्ड एंगल को निकालिए, एंगल ए को, कितना आएगा 70 और 40 110, 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री, ये भी कितना बचा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए तो ये भी 70 डिग्री बचा। कहने का मतलब यहाँ ये चीज आ रही है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी दो ट्राइंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर दो एंगल्स टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं, तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होगा ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखा आपने 70-70 दोनों में आ रहा है, अगर दो पेयर कोई भी इक्वल है दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो उनके थर्ड एंगल्स तो इक्वल होने ही है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि देखिए प्रॉपर्टी का भी नाम चेंज हो गया था, एंगल एंगल साइड कर दिया था मैंने, जैसे ही ये वाली साइड की जगह ये वाली साइड ले ली थी तो प्रॉपर्टी का नेम चेंज हो गया था, एंगल एंगल साइड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप इस वाले ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल भी लगा सकते थे। कैसे, देखिए मैंने पहले ये वाली साइड ली थी, इसे छोड़िए, अभी हमने ये वाली ली है, एंगल एंगल साइड यही तो लग रहा था। मान लीजिए आपके पास ये एंगल नहीं है सपोज, ठीक है, अब आपके हिसाब से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल एंगल साइड लग रही है, एंगल एंगल साइड। लेकिन आप चाहे तो इसे एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। कैसे, ये अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये थर्ड एंगल इक्वल होना ही होना है, जो दोनों 70-70 आ रहा है। तो मत लीजिए ना इस एंगल को, इस वाले को लीजिए, ये 70 और 70। तो देखिए फिर से एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल एंगल साइड जो अभी प्रॉपर्टी चल रही थी वो एंगल साइड एंगल में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड के सिर्फ नाम अलग अलग है, प्रॉपर्टीज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप चाहे तो उसी ट्राइंगल में एंगल एंगल साइड भी लगा सकते हैं और उसी को एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, थोड़ा सा बस नेमिंग का उनका फर्क आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये थी एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, इनको ऐसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी गलत मत कीजिएगा, अगर देख कर वहां पे एंगल एंगल साइड आ रहा है तो यही लिखिए, इसको हम देख करके जैसे ये लिखा हुआ है तो एंगल साइड एंगल नहीं लिख सकते, एंगल एंगल साइड ही लिखेंगे, कंटिन्यूटी में चलते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते एंगल साइड एंगल, ऐसे नहीं बोल सकते, कंटिन्यूटी में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो था एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड को देखने का तरीका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी और ये ओ है मिड पॉइंट पे ओ, और आपको ओ ए ओ डी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैं गिवन में लिख लेता हूं, देखिए गिवन में आपको ये दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है, कहने का मतलब OA इज इक्वल टू OD, एक चीज आपको ये दी है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, AOB DOC के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है,
प्रूफ, ये देखिए सबसे पहले हम जिन ट्राइंगल्स को प्रूफ करते हैं उन ट्राइंगल्स की नेमिंग लिख लिया कीजिए कि हम ऑपरेशन किस ट्राइंगल में कर रहे हैं। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए हुए। अब आप देखिए, अब मैं इसे पहले जो करके दिखा रहा हूं आपको वो मैं एंगल साइड एंगल से करके दिखा रहा हूं। पहले प्रूफ इसका देखिए, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा एंगल ओ ए बी वो किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ओ डी सी। क्यों? क्योंकि ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी के, और अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइन साइड एंगल्स में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ए बी पैरेलल टू DC है, AB parallel to DC, therefore angle OAB is equal to angle ODC, alternate interior angles, clear? Angle AOB is equal to angle AOB लिया DOC, why? Vertically opposite angle. VOA, vertically opposite angle, and OA is equal to OD given, और आपको OA side OD के equal दी हुई है given, तो कौन सी property लग रही है आप खुद देखिए, continuity में देखिएगा, angle side angle एक ही triangle में देख लिया कीजिए sufficient है, angle side angle लग रहा है, therefore ट्राइंगल AOB is congruent to ट्राइंगल DOC by एंगल साइड एंगल रूल, क्लियर, एंगल साइड एंगल लग गया। अब देखिए इसी वाले समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ करते हैं, इसी वाले ट्राइंगल में अब मैं आपको एंगल एंगल साइड से प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल्स हमने वही लिए, लेकिन एंगल एंगल साइड लूंगा तो एंगल एंगल साइड का मतलब अब मुझे इस बार ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? देखिए AB पैरेलल टू DC, ठीक है, AB DC का पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल OBA, ये रहा एंगल ओ बी ए ये वाला इसके इक्वल है, एंगल ओ सी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ओ बी ए और सी डी के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल BOA ये वाला एंगल एंगल DOC के इक्वल है, या AOB कुछ भी बोल सकते हैं, AOB DOC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, एंड OA इज इक्वल टू OD, कहां से आया, गिवन OA आपका OD के इक्वल है, ये गिवन है आपको, तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एंगल साइड लग रही है कि नहीं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए कॉन्वेंट, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। तो देखिए ऐसे था, यानी कि एक ही ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड दोनों प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों, दोनों प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों प्रॉपर्टी एक ही होती है, बस नेम चेंज हो जाते हैं उनके, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी इक्वली होता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड का जो टॉपिक था वो मैंने आपको डिस्कस किया, उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अब इसमें जो और क्राइटेरिया बचे हैं, एक RHS बचा है और एक RSS बचा है, साइड साइड साइड, मैं उन्हें भी बहुत जल्द पोस्ट कर दूंगा,
आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहें। और प्लीज आप लाइक जरूर किया करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो। थैंक यू।